दोस्तों पता नहीं आप कितने सारे वीडियो को देख लिए होंगे कि हम अपने YouTube वीडियो को वायरल कैसे करें, लेकिन दोस्तों उस सारे वीडियो में आपको एक ही चीज़ बताया जाता है कि अपने ऑडियंस के इंटरेस्ट के हिसाब से वीडियो बनाइए, आपका वीडियो खुद से वायरल होता है। तो दोस्तों यहाँ पर सवाल उठता है कि हम अपने ऑडियंस के इंटरेस्ट के हिसाब से तो वीडियो बना देते हैं, तब भी हमारा वीडियो वायरल क्यों नहीं होता है? आप ये चार गलती करते हैं जिसके वजह से आपका वीडियो वायरल नहीं होता है। आज के मैं इस वीडियो में ये चारों गलती भी बताने वाला हूँ, साथ ही साथ इसका सुधार भी बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो करते हैं इसे स्टार्ट। मैं हूँ आपका दोस्त मंगेश कुमार और स्वागत है सभी लोग का मंगेश कुमार के एक नए वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को देख लेते हैं और दोस्तों प्रमोशन वाला कोड आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों इससे पहले आज के विनर को देख लेते हैं। आज के जो विनर है उनका नाम है मिस्टर युवराज टेक और उनके वीडियो का लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो को देखने के बाद जाकर उनके वीडियो को जरूर देखिएगा, उनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप भी मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने वीडियो का लिंक डलवाना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट करना होगा। अगर कर लिए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद दोस्तों कमेंट कीजिएगा तो मैं आपके वीडियो का लिंक अपने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा बिल्कुल फ्री में। जैसे कि हम इनका डाले हैं तो इनका डाल दिए, जाइए इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब चलिए दोस्तों मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर चलता हूँ और आपको अच्छा तरीके से बता देता हूँ जिससे कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए और इसका तोड़ भी मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को देख ही लेते हैं। अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूँ तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि YT स्टूडियो ऐप को ओपन कर लेना, यानी कि इस पर एक बार दबा देना है। इस पर आप जैसे ही दबाते हैं आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाता है। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि अपने उस वीडियो पर चलना है जिस वीडियो पर आप ये सारा काम करना चाहते हैं। तो उस वीडियो पर आपको जाने के लिए लेफ्ट साइड की तरफ आपको मिलेगा तीन लाइन, तो इस तीन लाइन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको मिल जाएगा वीडियोज लिखा हुआ, तो वीडियोज पर क्लिक कर दीजिए। वीडियोज पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके चैनल पर जितने सारे वीडियो रहते हैं सारा वीडियो यहाँ पर दिखा दिया जाता है। तो जिस भी वीडियो पर आपको करना है उस वीडियो पर आप क्लिक कीजिए। मैं यहाँ पर आपको एक वीडियो पर करके बताता हूँ, इसी तरीके से आप अपने सारे वीडियो पर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर जो सबसे ऊपर वाला वीडियो दिखाई दे रहा है इसी पर हम क्लिक करते हैं। इस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे सामने कुछ इस तरीके से आ जाता है। अब दोस्तों आपको थोड़ा नीचे की तरफ आना है तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा वीडियो परफॉर्मेंस लिखा हुआ, और दोस्तों उसके नीचे आप देखिएगा तो यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ भी मिल सकता है। जैसे कि मुझे अभी मिल रहा है व्यूज आर ऑफ रेगुलर व्यूअर्स ऑफ योर चैनल। दोस्तों मेरा यहाँ पर वीडियो जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा व्यू लेके आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है व्यूज आर ऑफ। यहाँ पर आपका लुकिंग भी हो सकता है, आपका डाउन भी हो सकता है, जो भी आपको। दोस्तों इस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि यह सब किसी को नहीं मिलता है, तब भी दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। इस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे सामने कुछ इस तरीके से आ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाया जाता है कि आपका वीडियो कैसे परफॉर्म कर रहा है। अब दोस्तों नीचे की तरफ आइए तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको एक ग्राफ बना हुआ दिखाई देगा, और दोस्तों इसमें जो यह लाइन दिखाई दे रहा है जो कम कलर का है, इसमें ज़्यादा कलर नहीं है जो कि डार्क कलर का दिखाई दे रहा है, तो यह जो कलर आपको दिखाई दे रहा है डार्क कलर का ये, तो दोस्तों ये आपके पिछले 10 वीडियो का यहाँ पर परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है कि आपका जो पिछला 10 वीडियो है इस तरीके से परफॉर्म किया है, इसी के बीच में व्यू लेके आया है। नीचे की तरफ आप देखिएगा तो आपको यहाँ पर घंटा दिखाई देता है जैसे कि हावर्स है। उसके बाद दोस्तों आप देखिएगा तो 4, 8, 12, 16, 20 घंटा दिखाई दे रहा है, तो आपका जो पिछला 10 वीडियो है इसी के बीच में व्यू लेके आ रहा है। लेकिन यह जो हमारा वीडियो है काफ़ी ज़्यादा व्यू लेके आया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी 20 घंटा में 20,000 के करीब व्यू लेके आ गया है, इसलिए यहाँ पर ये काफ़ी ऊपर गया है। तो यही दिखाया जाता है, दूसरा कुछ इसमें नहीं है। तो चलिए दोस्तों हम इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, जानकारी के लिए हम आपको बता दिए, यहाँ से हम बैक आते हैं। अब दोस्तों आपको नीचे वाले पर समझना होगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पर रैंकिंग बाय व्यूज दिखाई दे रहा है, तो यह वही है कि पिछला आपका जो 10 वीडियो है, जैसे कि दोस्तों पिछले हम 10 वीडियो को अपलोड किए थे तो उस 10 वीडियो के मुकाबले इस वीडियो पे कितना व्यू आया है, उन 100 वीडियो से सबसे ज़्यादा व्यू आया है, इसलिए यह वीडियो हमारा एक नंबर पे रैंक कर रहा है उस 10 वीडियो के मुकाबले। अगर दोस्तों उसी के हिसाब से 2 नंबर पर आया रहता है तो 2 नंबर दिखाई देता, 3 नंबर पर होता है तो 3 नंबर दिखाई देता, 1, 2 और 3 नंबर पर रहता है तो आपका वीडियो वायरल हो जाता है। अगर ज़्यादा पे होता है तो अगर आपके वीडियो का सारा कंडीशन सही है तो वो वीडियो वायरल हो जाएगा, जैसे कि थोड़ा आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अब यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ आप देखते हैं तो आपको मिलता है व्यू, तो इस वीडियो पे हमें कितना व्यू मिला है, 20,400 व्यू मिला है। आप देख सकते हैं यानी कि 20.4 के दिखाई दे रहा है, तो के का मतलब बता है 1000, तो 20,400 व्यू मिला है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एवरेज व्यू ड्यूरेशन दिखाई दे रहा है, 3 मिनट 4 सेकेंड का यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ये कैसे निकला है ये मैं आपको समझाऊँगा अभी। उसके बाद दोस्तों वॉच टाइम दिखाई दे रहा है, तो वॉच टाइम हमें कितना मिला है, यह मिला है 1045.8 घंटे का, 8 घंटे का यहाँ पर वॉच टाइम दिखाई दे रहा है या घंटे में दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यह जो व्यू ड्यूरेशन है ये कैसे निकला है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए दोस्तों मैं अपना नोटबुक लेता हूँ और उसके बाद दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि देखिए यहाँ पर जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन निकला है 3 मिनट 4 सेकेंड का, तो ये कैसे निकला है ये मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक कॉपी ले लिया हूँ और इसी पर मैं आपको बता रहा हूँ हमारा जो व्यू आया है कितना आया है, 20,400। तो हम यहाँ पर 20,400 लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं 20,400 व्यू। उसके बाद
दोस्तों हमें जो वॉच टाइम मिला है ये कितना मिला है, तो यहाँ पर दोस्तों आप देखते हैं तो वॉच टाइम हमें मिला है 1045 घंटे का पॉइंट में है, तो वो भी हम यहाँ पर लिख दिए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यह जो हमें वॉच टाइम मिला है यह दोस्तों घंटे में है, आप देख सकते हैं हावर्स लिखा है, तो हम इसे मिनट में बदलेंगे तो इससे हम 60 में गुना कर देंगे। यह जो हमारा वॉच टाइम मिला है इसमें हम 60 से गुना करेंगे तो हमारा निकल के इतना आएगा, तो हमारा कितना निकल के आया है 62748 मिनट, आप देख सकते हैं। अब दोस्तों हमें क्या करना है, ड्यूरेशन निकालना है, तो ड्यूरेशन निकालने के लिए हमारा जो ये मिनट में निकल के आया है 62748, तो हम उसे यहाँ पर लिख दिया है। और उसके बाद दोस्तों हमारा जो व्यू है 20400, तो उसे हम लिख दिया है। और भागा दिए हैं तो हमारा निकल के आ रहा है 3:07 का। यहाँ पर दोस्तों यह जो दिखाई दे रहा है यह गलत अभी दिखाई दे रहा है। दोस्तों मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, गो टू वीडियो एनालिटिक्स पे, एनालिटिक्स पे क्लिक करते हैं और इस वीडियो के एनालिटिक्स में आ जाते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है तो यह दोस्तों आपका वीडियो अच्छा परफॉर्म कर रहा है इसलिए यह दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको रियल टाइम व्यूज दिखाई देता है कि आपका वीडियो 48 घंटे में कितना व्यू लेके आया है। उसके नीचे आप देखते हैं तो व्यूज दिखाई देता है, अभी यहां पर अपडेट नहीं हुआ है, 48 घंटे के बाद अपडेट होगा तो पूरा क्लियर दिखाई देने लगेगा। उसके बाद सब्सक्राइबर्स दिखाई देता है कि इस वीडियो से कितना सब्सक्राइबर्स मिला है। उसके बाद दोस्तों यहां पर अर्निंग दिखाई देता है, तो अभी अर्निंग नहीं दिखाई दे रहा है, 48 घंटे के बाद ये भी ऐड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो खेल है वो है ऑडियंस रिटेंशन का। अब आप लोग कहिएगा कि ऑडियंस रिटेंशन है क्या, तो दोस्तों मैं जो आपको व्यू ड्यूरेशन बताया हूं वहीं से इसका ऑडियंस रिटेंशन का कनेक्शन है। जैसे कि मैं वहां पर क्या बताया हूं, हमारा जो व्यू ड्यूरेशन निकल के आया है 3:07 का निकल के आया है, लेकिन यहां पर अपडेट हो गया अभी तो अभी बता रहा है 3:08 का। और परसेंट में बात करें तो हमारा परसेंट में निकल के आया है 32.4%। अब आप लोग कहिएगा कि ये कैसे निकला, तो दोस्तों हमारा जो वीडियो है उस वीडियो को कितना देर तक लोग देखें और दोस्तों कितना व्यू आया, तो जितना देर तक लोग देखे और कितना लोग देखे तो उसी को भागा दिए थे, तो हमारा जो ड्यूरेशन निकल के आया था उसी को हम ऑडियंस रिटेंशन भी कहते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे वीडियो का जो ऑडियंस रिटेंशन है वह मिल रहा है 3:08 का है। और दोस्तों जो परसेंटेज की बात करें तो दोस्तों हमारा मिल रहा है यहाँ पर 32.4%। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पर जानकारी के लिए बताऊँ तो अगर आप अपने वीडियो को बहुत ज़्यादा वायरल करना चाहते हैं तो आपके वीडियो का जो ऑडियंस रिटेंशन चाहिए वो कम से कम 50% चाहिए, तो हमारे वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन काफ़ी कम है। अब आप लोग कहिएगा कि ऑडियंस रिटेंशन बढ़ाएंगे कैसे, तो ऑडियंस रिटेंशन अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपने वीडियो पर लोगों को रोक के रखना होगा, जितना ज़्यादा देर तक आपके वीडियो को लोग देखेंगे उतना ही ज़्यादा आपको यहाँ पर ऑडियंस रिटेंशन मिलेगा, जो कि मैं आपको समझा ही दिया हूं। तो दोस्तों ये भी आपको पता चल गया। और दोस्तों मेरा 32.4% ऑडियंस रिटेंशन है, तो दोस्तों कोई खराब नहीं है, काफी अच्छा ऑडियंस रिटेंशन है, कुछ कम व्यू लेके आएगा लेकिन तब भी दोस्तों काफी अच्छा व्यू लेके आने वाला है। अब चलिए दोस्तों हम क्या करते हैं कि यहां पर चलते हैं हम अब रीच में। जैसे ही आते हैं हमारे सामने कुछ इस तरीके से आ जाता है, सबसे ऊपर हमें दिखाई दे रहा है इंप्रेशन। अब दोस्तों आप लोग कहिएगा कि यह इंप्रेशन क्या है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे वीडियो का जो इंप्रेशन है यह है 1,09,599। इंप्रेशन को मैं सिंपल से भाषा में बताऊं तो देखिए कि दोस्तों आपके वीडियो को यूट्यूब कितना लोगों को दिखाया है इसी को इंप्रेशन कहते हैं, तो कितना लोगों को दिखाया, 1,09,599 लोगों को। अब दोस्तों यहां पर कितना लोग हमारे वीडियो पे क्लिक किए उसका यहां पर CTR दिखाता है, क्लिक थ्रू रेट, इंप्रेशन का क्लिक थ्रू रेट जो कि 7.7% है, आप देख सकते हैं। अब दोस्तों आप लोग कहिएगा कि ये कैसे निकलता है, तो इसे निकालने के लिए सबसे पहले आपको अपना इंप्रेशन लिखना पड़ता है अपने वीडियो का, उसके बाद दोस्तों भागा दीजिए और आपके वीडियो पर कितना व्यू आ रहा है वो दीजिए, व्यू दीजिएगा टोटल, तो दोस्तों बराबर कीजिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा कि आखिर आपके वीडियो का जो क्लिक थ्रू रेट है वह कितना है। तो दोस्तों यहां पर यह जो 7.7% दिखाई दे रहा है यह दोस्तों अपडेट हो गया है इसलिए इतना दिखाई दे रहा है। और दोस्तों अगर हम यहां पर भागा देते हैं तो 5.3% आ रहा है, लेकिन दोस्तों अपडेट हो गया है इसलिए इतना दिखा रहा है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊँ कि अगर आप अपने वीडियो को वायरल करना चाहते हैं तो आपके वीडियो का जो क्लिक थ्रू रेट है CTR है वो कम से कम 8%, 9%, 10% होना चाहिए, सबसे बेस्ट माना जाता है 10% को। एक मेरा वीडियो है स्क्रीन पर आपको दिखा देता हूँ, इस वीडियो का जो क्लिक थ्रू रेट है यह दोस्तों 13% से भी ज़्यादा है, तो यह वीडियो हमारा बहुत ही ज़्यादा वायरल होगा, लेकिन दोस्तों यह वीडियो हमारा वायरल नहीं होगा उसके मुकाबले। अब आप लोग कहिएगा कि यह क्लिक थ्रू रेट हम कैसे बढ़ाएंगे, तो आपको अपने वीडियो का जो थंबनेल बनाना है वह दोस्तों आकर्षित बनाना है। यहाँ पर यूट्यूब अपना काम कर दिया है, इतना ज़्यादा लोगों के पास भेज दिया है, हमारा थंबनेल सही नहीं है जिसके वजह से लोग हमारे वीडियो पे क्लिक नहीं कर रहे, तो दोस्तों हमारे वीडियो का क्लिक थ्रू रेट कम हो गया है जिसके वजह से हमारा व्यू भी कम आएगा, वॉच टाइम भी कम आएगा। और वहीं हमारे वीडियो के अंदर दम होता है तो दोस्तों हमारे वीडियो पर ज़्यादा वॉच टाइम मिलेगा, तो दोस्तों हमारे वीडियो का जो वहाँ पर व्यू ड्यूरेशन था
जिसे हम सभी लोग ऑडियंस रिटेंशन कहते हैं, वो भी दोस्तों हमारा बढ़ जाएगा और हमारा वीडियो वायरल हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या समझ में आना है, सबसे पहले आपके वीडियो का जो ऑडियंस रिटेंशन है वह दोस्तों कम से कम 50% होना चाहिए। जाके आप देख लीजिए, 50% के से थोड़ा कम भी रहेगा तो चल जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है कि हमारे वीडियो का जो क्लिक थ्रू रेट है वह दोस्तों कम से कम 10% होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपके वीडियो का थंबनेल सही होना चाहिए, जो कि हम आप लोगों को बता दिए। उसके बाद आपके वीडियो को अच्छा बनाना है, जिससे कि ज़्यादा देर तक लोग आपके वीडियो को देखें। तो यहीं दोस्तों चार काम आपको करना है दोस्तों, इसे समझ जाते हैं और अच्छा तरीके से आप करते हैं तो आपका वीडियो वायरल हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता है। तो सारा हम आप लोगों को बता दिए। और दोस्तों आपके वीडियो पर जो ट्रैफिक सोर्स आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, तो इसे आप देखना चाहते हैं तो गो टू वीडियो एनालिटिक्स पर क्लिक कीजिए और दोस्तों नीचे की तरफ आइएगा तो यहाँ पर ट्रैफिक मिल जाता है। तो यहां पर कोशिश कीजिएगा कि आपके वीडियो पे जो ट्रैफिक सोर्स आ रहा है वह YouTube सर्च से ज्यादा है, जैसे कि काफी ज्यादा मेरा कम आ रहा है, अगर ज्यादा आता है तो काफी अच्छा है। तो चलिए दोस्तों यह वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो दोस्तों कमेंट कीजिएगा, तो मैं एक बड़ा सा बोर्ड पर आप लोगों को समझा दूंगा बारी बारी से। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों बाय।